राजधानी जयपुर में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी जयपुर के रामगंज से लगातार मिल रहे कोरोना पॉजिटिवों ने प्रशासन के लिए चिंता बढ़ा दी है, मगर अब रामगंज के साथ साथ बाहरी इलाके मानसरोवर कोटपुतली में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। मानसरोवर के सेक्टर 80 में पटेल मार्ग पर SMS के एक डॉक्टर को कोरोना पॉजिटिव हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके को बैरिकेड्स लगाकर सील कर दिया है। पुलिस ने कोरोना पॉजिटिव पाए गए डॉक्टर के मकान के आसपास के करीब 1 किलोमीटर दायरे में पहरा लगा दिया है, साथ ही आने जाने वाले सभी लोगों पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। यह कोरोना पॉजिटिव कमिश्नरेट के साउथ जिले में मिला है। यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम को लेकर मानसरोवर में हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा ने लिया खास जायजा। मानसरोवर क्षेत्र में मध्यम मार्ग पर ये मकान है जहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें दोनों ओर जो मध्यम मार्ग पर क्षेत्र है वहां हमने सील किया है, और साथ ही यहां पटेल मार्ग चौराहा है उस पर भी दोनों साइड में हमने इसको सील किया है, जिससे लोगों की आवाजाही न रहे और ये और अधिक स्प्रेड ना हो। सर, जरूरी सेवाओं के लिए किस तरह की इनको यहाँ के लोगों को अब कैसी व्यवस्था कराई जाएगी? पूरा सील कर दिया गया है, कुछ लोग भी हैं जो खुद अवेयर भी हैं, गेट भी बंद कर लिए गए उन्होंने। जरूरी सेवाओं की कहीं कोई समस्या नहीं होगी, प्रशासन और पुलिस मिलकर इन चीजों को ध्यान में रखेंगी। पहले भी जो कर्फ्यूग्रस्त इलाके रहे हैं या जहां सील किया गया है वहां पर जरूरी सेवाओं की ऐसी कोई समस्या नहीं हुई है, और इस विषय में प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता हो गई है, और जो दूध सब्जी और जो भी जरूरी चीजें हैं उसके लिए जो सुविधाएं हैं, मेडिकल सुविधा है, उस सबको उपलब्ध कराए। राजधानी जयपुर में कर्फ्यू का प्रकोप